हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रंगायस मैरिज के थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे। वंस एक बार दे रियलाइज उन्हें आश्वास हुआ दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स। रंगा के अभी भी वैसे ही हाथ हैं, लेग वैसे भी पैर हैं, आईज एंड नोज आंख नाक वैसे ही है। द क्राउड मेल्टेड अवे, तो भीड़ वहां से जाने लगी। लाई के लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड यस माउथ, जैसे जैसे बच्चे के मुंह में मिट्टी गोली घुलने लगती है, वैसे वहां जो भीड़ थी वहां जो है घुलने लगी, मतलब जो है वहां से भीड़ कम होने लगी। जैसे मुंह में मिट्टी गोली जो है बच्चे के मुंह में धीरे धीरे कम होने लगती है, वैसे जो है वहां से भीड़ जो है कम होने लगी। मैं लगातार स्टैंड देयर वहां खड़ा रहा। तो लेखक कह रहा कि मैं वहां खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, हर लोग चले गए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू, कैसे हो। रंगपा कैसे हो। इज एवरी थिंग वेल विथ यू, क्या हर चीज ठीक ठाक है। इट वॉज ओनली देन, तभी द रंगा नोटिस्ड मी, रंगा ने मुझे ध्यान दिया था, लेखक को ध्यान दिया। ही केम नियर मी, वह लेखक के पास आया। एंड डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली, और सम्मान के साथ नमस्कार किया। सेइंग कहते हुए, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक ठाक हूँ विथ योर ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगा यस करेक्टर, तो आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन, मैं आपके ध्यान को डालना चाहता हूँ दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगा यस करेक्टर, रंगा के चरित्र के पहलू पर। मैं लेखक आ रहा है कि मैं रंगा के चरित्र के पहलू पर आपका ध्यान डालना चाहता हूँ। ही न्यू, वह जान गया, वह जानता था, मतलब रंगा जो है जानता था, वेन इट वुड बी द एडवांटेज टू टॉक समवन, कि किससे बात करके उसको लाभ होगा, किससे बात करके उसको लाभ होगा वो जानता था। एंड राइटली असिस्ट पीपल एस वर्थ, और वैसे लोगों को वो मूल्यांकन करता था, मतलब जो है ऐसे लोगों को सम्मान देता था। तो एज फॉर हिज नमस्कार, जैसे कि नमस्कार की बात के लिए, टू में जैसे कि लेखक को नमस्कार किया, तो ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, वो जो वर्तमान के लड़कों की तरह वह नमस्कार नहीं किया। विथ हिज हेड अप टूवर्ड्स द सन, जो कि सूर्य की ओर सर करके, मतलब सर उठा करके, स्टैंडिंग स्टिप लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट, जो बिना जोड़ के खंबे के समान खड़े रहते हैं वैसे नहीं। जर्किंग हिज हेड, अपने शरीर को झटका दिया। एज इफ इट वॉज आइदर ए वांड आर वॉकिंग स्टिक, जैसे एक टहलने की छड़ी हो या आर वॉकिंग स्टिक, या जैसे टहलने की छड़ी हो। नॉर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, वह केवल अपने हाथ को ही नहीं जोड़ा। ही बेंट लो टू टच माई फीट, तो ही बेंट, वह झुक करके, टू टच माई फीट, मेरे पैर को छुआ। लेखक कह रहा है कि वह मेरे पैर को झुक करके छुआ। मे यू गेट मैरिड सून, तुम्हारी जल्द ही शादी हो जाए। आई सेड, मैंने कहा, ब्लेसिंग हिम, उसको आशीर्वाद देते हुए, तो लेखक उसको आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी जल्दी ही शादी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंट्री आई लेफ्ट, तो आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्री, हंसी मजाक का आदान प्रदान होने के बाद, आई लेफ्ट, मैं चला गया। लेखक कह रहा कि मैं चला गया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर के बाद, वेन आई वॉज रेस्टिंग, मैं आराम कर रहा था। लेखक कह रहा कि दोपहर के बाद जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर आया। विथ ए कपूल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड, जो कि हाथ में दो संतरे लिए हुए था,
ए जनरस कॉन्सिडरेट फेलो, जो कि एक उदार विचारशील लड़का था, इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, तो इट वुड बी फाइन, अच्छा होगा टू हैव हिम मैरी, उसकी शादी हो जाए, सेटल डाउन, वो व्यवस्थित हो जाए, एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, समाज में सेवा करें, आई थॉट, मैंने सोचा, लेखक सोचा, फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए, वी टॉक्ड अबाउट दिस दैट, थोड़े समय के लिए हम लोगों ने इधर उधर की बात किया, देन आई केम टू द पॉइंट, तब मैं मेन बिंदु पर आ गया, मतलब जो है मुख्य बात पर आ गया, रंगपा, when do you plan to get married, तुम्हें शादी करने का कब योजना है, मतलब शादी करने की कब योजना बना रहे हो, तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ ही सेड, तो रंगपा ने कहा कि मैं अभी शादी करने वाला नहीं हूं, why not क्यों नहीं, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की की तलाश करनी है, आई नो एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, हु गॉट मैरिड, जो शादी किए हैं, ओनली 6 मंथ एगो, मात्र 6 महीना पहले, ही इज अबाउट 30, वो लगभग 30 साल के हैं, एंड हिज वाइफ इज 20, और उनकी पत्नी 25 साल की हैं, आई एम टोल्ड, मुझे बताया जाता है, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, तो दे विल बी एबल टू टॉक, वे बात करते हैं लविंगली ईच अदर, प्रत्येक दूसरे से प्यार से, लविंगली माने प्यार से, प्रत्येक दूसरे जो है प्यार से जो है बात करते हैं, तो लेटेस्ट से मान लीजिए, आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, मैं बहुत युवा लड़की से शादी कर ही लिया, सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव, और मैं अपने प्रेम की बात को कहा, एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, और उसको प्रेम की बात में क्रोध आ जाए, तो रिसेंटली, तो हाल में ही ए ट्रूप इन बंगलौर स्टेज द प्ले शकुंतला, तो हाल में ही शकुंतला का नाटक बंगलौर में खेला गया था, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत का कोई प्रश्न नहीं है, फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला, शकुंतला के प्रेम में पड़ने की, शकुंतला के प्रेम में पड़ने का दुष्यंत का कोई प्रश्न ही नहीं है, इफ सी वर यंग, काश वह युवा होती, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, आजकल की बहू की तरह, तो इज देयर, तो क्या होता, व्हाट वुड हैपेंड, क्या हुआ होता, टू कालिदास प्ले, कालिदास के नाटक का, तो कालिदास के नाटक का क्या हुआ होता, इफ वन गेट्स मैरिड, यदि कोई शादी करता है, इट शुड बी द ए गर्ल, जो लड़की होनी चाहिए, हु इज मैच्योर, वो वयस्क हो, कम उम्र की ना हो, अदरवाइज अन्यथा वन शुड रिमेन ए बैचलर, अन्यथा कुमारा ही रहना ही है, ठीक है, तो दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग, तो इसीलिए यही कारण है मैं शादी करने वाला नहीं हूँ, मतलब इसी का यही कारण है कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, तो इज देयर एनी अदर रीजन, क्या कोई दूसरा कारण है, ए मैन शुड मैरी ए गर्ल, एक आदमी को एक लड़की से शादी करना चाहिए, ही एडमायर्स, जो उस लड़की का प्रशंसा करता हो, वाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज्ड, जो कि हम लोग शादी के लिए अरेंज कर लिए हैं, व्यवस्था कर लिए हैं, हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल, एक लड़की का कैसे वो सराहना कर सकता है, प्रशंसा कर सकता है, विथ ए मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, जो कि उसके दूध का दांत ना टूटा हो, एंड विटनेस ऑन द अदर, और दूसरे विटनेस की बात है, दूसरे प्रमाण की बात है, आर सो यंग
वो इतनी छोटी हो दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर, जो कि अपनी उंगली काटना ना जानती हो। तो वन नीम फ्रूट, एक नीम का फल, द अदर दूसरा, ए बिटर गार्ड दूसरा करेला। एग्जैक्टली ठीक ठीक है रंगा सेट, रंगा ने कहा लाफिंग, हंसते हुए रंगा ने हंसते हुए कहा। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, लेखक परेशान हो गया, दैट बॉय उस लड़के से, हु आई थॉट जो लेखक सोचता था, वुड मेक ए गुड हस्बैंड जो कि अच्छा पति साबित होगा, हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर जो कुंवारा रहने के लिए निर्णय कर लिया है। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ा समय बातचीत करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तब लेखक मन बनाया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड कि मैं उसका शादी करवाऊंगा। रामा रावस नीस, रामा राव की भतीजी, ए प्रीटी गर्ल ऑफ 11 जो 11 साल की सुंदर लड़की है, हैड कम टू स्टे विद हिम जो कि उनके घर रहने के लिए आई है। सी वाज फ्रॉम ए बिग टाउन, वह बड़े कस्बे से है, मतलब वो बड़े कस्बे की रहने वाली है। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम, इसीलिए वीणा और हारमोनियम बजाना जानती है। सी आल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी आवाज भी मधुर है। बोथ दोनों, हर पेरेंट्स उसके माता पिता हैड डाइड, मर गए हैं, तो कह रहे कि उसके माता पिता दोनों जो है मर चुके हैं। एंड हर अंकल उसके चाचा हैड ब्रॉट हर होम अपने घर लाए हैं। रंगा वाज द बॉय फॉर हर, रंगा उसके लिए ठीक लड़का पड़ेगा। एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड, और वह भी सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वह उसके लिए सुयोग वधु होगी। तो धन्यवाद, यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से उससे, तो उसके माता पिता जो मर गए हैं और उसके जो चाचा हैं उसको अपने घर लाए हैं, और रंगा उसके लिए ठीक लड़का है, और वो जो है रंगा के लिए सुयोग वधु होगी। तो धन्यवाद।